वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ और शाम का टाइम था डेट थी ग्यारह और मेरा दिल किया चाय पीने का डेली तो मैं नहीं पीती हूँ लेकिन कभी मुझे थकान फील हो या फिर दिल करे तो मैं पी लेती हूँ तो ये सो रहे थे तो मैंने तब तक मैं चाय चढ़ा दी ताकि खूब अच्छे से उबल जाए और रढ़ी हुई चाय जो है बने तो बस यहाँ पे लौंग इलायची और सौठ का पाउडर बस डाल दिया है और काफ़ी उबलेगी तो बिल्कुल रढ़ी हुई सी रबड़ी सी चाय जो है बन करके तैयार हो जाएगी तब तक मैं मैं इनको भी उठा दूँगी और बैठ के हम लोग चाय पियेंगे तो ये तो चले गए थे और व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का एक दो दिन से कुछ लो फील हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या चाहती हूँ लाइफ से क्या कैसे मैं अपने आप को खुश रखूँ या कुछ बीच बीच में पता नहीं ऐसा हो जाता है मेरे साथ अभी पापा आप के जाने के बाद पहले दो साल जीना सीख ही रहे थे पिछले दो साल पल्लव जी के जाने के बाद बस सीखे ही थे थोड़ा कि इस बीच पापा चले गए तो फिर वही सारी कंडीशंस जो हैं हो चुकी हैं और बस इसी के चलते ईलू से मैंने जो है झाड़ू लगवा ली और बस मेरा क्योंकि दिल नहीं कर रहा था और काफ़ी दिनों से हम मेरा दाल चावल खाने का दिल कर रहा था लेकिन कीड़ी नहीं थी घर पर जो कि मैं और ईलू खाते हैं ना तो बस संडे की रात लेके आए थे हम कीड़ी क्योंकि बासमती चावल तो थे बट कि नहीं थी और किणी के की बिना मैं और इलू चावल नहीं खाते हैं क्योंकि हमें इतनी पसंद आ गई इतनी लाइट लगती है तो बस उसको भरा और उसको बनाऊंगी और चावल और दाल तो यहाँ पे जो बर्तन रखे थे वो बर्तन जो है मैं लगा दूंगी जगह पे फिर थोड़े बहुत और थे वो भी करने थे तो यहाँ पे पानी में उबाल आ गया था तो ये डाल दूंगी और दाल बनाऊंगी दाल गाढ़ी गाढ़ी सी दाल खाने का दिल कर रहा था तो वैसे पहले मुझे दाल चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे लेकिन ये एसएमआर चैनल देख देख के ना मुझे चावल पसंद आने लगे तो यहाँ पे मैंने पांच दालें ली हैं मूंग की दाल ली है और छिलके वाली मूंग की दाल ली है चना दाल ली है अरहर दाल ली है और उड़द की भी ये पांचों दालें जो थी वो मैंने मिक्स कर लिए अब इनको ऐसे कोई भिगाने की ज़रूरत नहीं होती जैसे दाल मखनी वाली साबुत थोड़ा और भिगोने की जरूरत होती है छोले तो बस थोड़ी देर के लिए इनको वॉश करके मैंने भिगोया है तब तक मैं टमाटर और हरी मिर्च जो है ना उसका मैं प्यूरी बना लूँगी तो सिंपल तरीके से आज दाल मैं नहीं बनाऊँगी इसमें सब तेज़पत्ता लौंग काली मिर्च और सब कुछ डालूंगी तो यहाँ पे कुकर पे मैं डाल दे रही हूँ घी तो ये मैंने प्यूरी और तैयार की ना तब तक मैं वो भीग चुकी होगी तो जीरा और राई मैंने डाल दिया है साथ ही एक तेज़ पत्ता डाल दिया इससे बहुत अच्छा टेस्ट आया था तो और दाल इतनी मस्त बनी थी ना एक सूखी लाल मिर्च डाल दिए दो लौंग और दो काली मिर्च डाल दिए हींग डाल दी है हल्दी डाल दी है तो बस इसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी डाल दी अब मुझे डालना प्याज था लेकिन मेरा माइंड अभी दो तीन दिन से इतना खराब है कि मैं भूल जा रही हूँ सब कुछ तो ये प्यूरी डालने के बाद मैंने सौंठ का पाउडर भी डाल दिया है धनिया पाउडर डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और नमक डाल दिया है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो गरम मसाला वगैरह भी मैं डाल करके आज बनाऊंगी और इंस्टेंट वाली बना रही हूँ साथ ही में तड़का लगा के तो ये गरम मसाला भी डाल दिया फिर मैंने ये दालें डाल दी इनको भी थोड़ी देर इस मसाले के साथ मैं भून लूँगी तो मैं प्याज डालना भूल गई थी तो मैंने क्या किया फिर एक अलग उस पर ना मैंने दाल में जिस पे तड़का लगाते हैं उस पर प्याज मैंने एक कट करके थोड़ा सा भून लिया और ऐसे करके प्याज जो है डाल दिया अभी दाल इतनी अच्छी बनी इतनी अच्छी बनी कि पूछो मत दाल चावल बहुत ही मस्त लगे इस तरीके से दाल बना के प्यूरी के साथ वरना क्या करती हूँ कि मैं आ, कट कर देती हूँ टमाटर को और इस तरीके से बना लेती हूँ ऐसे ही टमाटर पका के तो दाल होती रहती है तब तक मैं मंदिर में जाते हैं और दिया जो है करके आ जाती हूँ तो यहाँ पर देखो दाल पक चुकी थी इसमें पानी डाल के फिर ऊपर से मैंने तड़का वड़का लगाया था और खाया था लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया मैं बोल रही हूँ ना मेरा माइंड इतना ख़राब है कि मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ तो ये है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे की भी शाम है अब क्या होता है ना कि ये देखो अलमारियाँ ऐसी बिगड़ जाती है क्यों क्योंकि कपड़े समेटते हैं और समेट के मैं इन लोगों से कह दूँ ना कि रखाओ जगह पर तो ये ऐसे घसीटे मार के रख के आते हैं कि तीनों की हमारी ऐसी भयंकर वाला पहाड़ बन के ऊंडलती रहती है तो फिर मैंने कहा चल इलू आज तो लग के इसको करना ही है तो पहले इलू वाली को साफ़ किया और आपको पता ही है मैं कैसे करती हूँ जो बेकार के जो डब्बे वगैरह होते हैं शर्ट के या कोई भी हम सामान मंगवाते हैं तो वो बच जाते हैं ना तो उसको उस से मैं ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ अब मेरी वाली पे देखो कैसे इन लोगों ने सामान डाला है तो अब बस इसको साफ़ करने की बारी आती थी तो इसको भी किया सारे कपड़े निकाले और फिर जो है इसको ऑर्गेनाइज करूँगी अब कपड़े इतने सारे हैं इतने सारे हैं कि पूछो मत कितने इतने ही दे देती हूँ उसके बाद भी बहुत सारे और फिर फिर ले लेते हैं हम लोग तो फिर क्या होता है ना कि जगह ही नहीं बचती है तो बस ये सारी फ्रॉक वगैरह एक बड़े से उसमें डब्बे में मैंने कहा रख देती हूँ एक साथ ही तो जितनी भी टी शर्ट हैं फ्रॉक हैं वो मैं एक डब्बे में मैंने कर दी और जो पेटी कोट और मेरी साड़ी के साथ के हैं वो एक में कर दूँगी ऐसे हैंग करके नहीं रखूंगी उससे क्या है थोड़ी सी और स्पेस मुझे मिल जाएगा और Uh, क्या होगा ना कि बिखरा बिखरा सा नहीं लगेगा फिर साड़ियों को नेक्स्ट डे ऑर्गेनाइज कर लूँगी साड़ियाँ मैं पहनती ही बहुत कम तो ऊपर चढ़ के मैंने सारे पेटी को जो है निकाले और एक uh, छोटे बॉक्स में जो है मैं रख दूंगी क्योंकि मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ तो ये जब भी मुझे पहनना होगा तो इसमें ईजिली मिल जाएगा देख लूँगी और वापस रख दूँगी तो एक बार के लिए तो मैंने इसे ना ऐसे कर दिया है कि मुझे पता है कि इसमें क्या क्या है इस वाले बॉक्स में ना पूरे सूट हैं मतलब कि सलवार सूट या चूड़ीदार वाले सूट हैं इस पर मैंने अपनी फ़्रॉक और सारे टी शर्ट या टॉप है वो कर दिए वो वाला जो है क्योंकि बहुत कम यूज़ में आना है तो उसमें मैंने पेटी कोट रख दिए सारे तो अब क्या है कि बस ऐसे लूँगी और जो भी चाहिए होगा वो ले लिया इसमें कुछ टी शर्ट्स और हैं इसमें इनर है इसमें सारे लोअर है मेरे और इसमें सारे नाइट सूट है और पीछे स्कर्ट है जो कि अभी मैं बहुत कम यूज़ लेती हूँ इसलिए तो ये कुछ चुनिंदा साड़ियाँ इनका भी कुछ करेंगे दो चार ही बस रखूँगी तो बस अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ऐसे कर दिया कि ताकि इतना जो पहाड़ मच रहा था ना वो ख़त्म हो जाए तो अभी ये वाला काम तो हो गया वो वाली जलमारी है उसको भी अभी सेट करना है लेकिन वो में कल करेंगे ठीक है तो अभी लू से मैंने शाम की झाड़ू लगाने बोल दिया है और मैं सारी सब्जियां कट कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से हम सोच रहे हैं किल्लू पाव भाजी बनाए पाव भाजी बनाए बट एक पत्ता गोभी की कमी थी जो कि आज हमने मंगा ली तो सारी सब्जियां मैं कट कर देती हूँ और फिर पाव भाजी जो है वो बना लेगी तो उस बैग में जो भी गर्म कपड़े थे ना वो डाल दिए और ये लगा रही है झाड़ू तो अभी इसके पापा आएँगे तो बेड को उठाएँगे और फिर ये डाल देंगे दोनों को कुछ पीने की इच्छा हुई तो शरबत बना ली नींबू था नहीं तुम्हारी गर्मियां सी आ गई है इसी तक का मन कर रहा है ना गुट गुट, गुट 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 पी जाओ ऐसा लग रहा है <laughs> है ना तो चलिए इन सब सब्जियों को कट करते हैं मैंने डेढ़ के करीब आलू ले लिया है एक शिमला मिर्च थोड़े से मटर जो है बॉईल की व्यक्त थोड़ी सी गोभी है फूल गोभी पत्ता गोभी थोड़ी सी लूँगी आधा घिया रखा है गाजर की बैंगन भी है लेकिन बैंगन नहीं डाले हैं ईलू ने मना किया तो ये सब सब्ज़ियों से हम बनाएंगे पाव भाजी टमाटर दो एक कट करेंगे दो या तीन तड़के के लिए तो चलो इनको कट करके फिर बॉईल करते हैं और फिर ईलू बनाएगी पाव भाजी तो बस एक ही भगोने पे मैंने सारी सब्जियां कट कर ली थी वॉश करके बस कुकर में डाल के बॉईल कर लेंगे और फिर इलू जो है पाव भाजी बना लेगी तो ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि अभी नहीं दिल हो रहा है बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है तो ये दो दिन का मिला जुला ब्लॉग है तो बस इलू से मैंने बोला कि डाल दे हेलो मैं सैमसंग बच्चा देखा नहीं किसी और डाल, बस। और डाल। आ, तो बस यहाँ पे अथक और इलू वीडियो कॉल करते रहते हैं जब भी बोर होते हैं तो तो बस ये कर रहा था फिर ये पास ही मैं मम्मी का घर है तो ये मम्मी के घर चला गया था तो ये इसकी मम्मी है और यानी कि मेरी सिस्टर और मम्मी भी थी तो थोड़ी बहुत मम्मी से भी बात हो गई तो बस बीकानेर भी जाना है मुझे और ये कैसे कब निकलना है ये बस देखना है तो बस आज के ब्लॉग में वैसे इतना ही मैंने आगे कुछ भी शूट नहीं किया थोड़ा सा फिर मैं माइंड मेरा ऐसा हो गया तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में